नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं RPSC सेकंड ग्रेड 2018। दोस्तों, RPSC सेकंड ग्रेड 2018 का रिजल्ट आए हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका है, लेकिन दोस्तों काउंसलिंग का कैलेंडर अभी तक जारी नहीं किया गया है। क्या जानकारी है, संपूर्ण जानकारी के लिए बने रहें पूरे वीडियो में हमारे साथ, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों देखिए, आज की जानकारी है 9322 पदों के लिए अभ्यर्थियों को काउंसलिंग का इंतजार। तो ये सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 की खबर है। देखिए यहाँ पर स्टे आ गया है, इसमें हाई कोर्ट का राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड 2018 भर्ती परीक्षा की विचारित सूची में शामिल किए गए अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है। देखिए यहाँ पर RPSC ने इसका कार्यक्रम तैयार कर लिया है, लेकिन मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण इसे जारी नहीं किया गया है। जब से कोर्ट से हरी झंडी मिलेगी तब ही इसे जारी कर दिया जाएगा। आयोग द्वारा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9 विषयों के 9322 पदों पर भर्ती के लिए प्रदेश के करीब 20,464 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए पात्र घोषित किया गया है। आयोग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आयोग द्वारा काउंसलिंग कार्यक्रम तैयार किया जा चुका है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी इस मामले में हाईकोर्ट चले गए। अभ्यर्थियों का तर्क है कि आयोग ने विचारित सूची के साथ साथ अलग अलग वर्ग के कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किए गए हैं। इस मामले में अभ्यर्थियों को स्टे मिल चुका है और अब स्टे की तैयारी की जा रही है, और ऐसा सुनने में आ रहा है दोस्तों अगले महीने में इस स्टे पर RPSC जवाब देगा, यानी कि अगली हियरिंग अगले महीने में होने वाली है। तो ये देखिए स्टे इस पर है, और जो HM भर्ती है उसमें भी अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए थे, तब उनको जो विचारित सूची है यानी जो प्रोविजनल जो सूची है जिनके काउंसलिंग होनी थी उनका यहाँ पर RPSC ने पहले कट ऑफ जारी किया, और अब फाइनल कट ऑफ भी RPSC ने जारी कर दिया है HM भर्ती का। तो दोस्तों ये कोर्ट का जो रीज़न है, इस वजह से आपकी जो काउंसलिंग है सेकंड ग्रेड अभ्यर्थियों की नहीं हो पा रही है। जैसे ही कोर्ट से हरी झंडी मिलेगी RPSC जवाब पेश करेगा, उसके बाद ये काउंसलिंग का कैलेंडर जारी होगा। तो संभवतः आपको 10 से 15 दिन या 20 दिन का इंतज़ार और करना पड़ेगा सेकंड ग्रेड की जो काउंसलिंग कैलेंडर है उसके लिए। तो ये था दोस्तों आज का अपडेट, दैनिक भास्कर .com की जानकारी है, आज के समाचार पत्र में भी आई है, आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों ये थी जानकारी सेकंड ग्रेड 2018 की काउंसलिंग को लेकर के। वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।